इस वीडियो का उद्देश्य सभी प्रशिक्षकों को विषय के बारे में पूरी और सही जानकारी रखना कितना जरूरी है। अरे ज्योति, आज सुगंधा दिखाई नहीं दे रही। रोज तो पहले से ही अपना टिफिन खोले तैयार रहती थी। कल उन्हें ट्रेनिंग के लिए जाना है। ओ, ये बात है। इसका मतलब मैडम जी आज तैयारी कर रही होंगी। ऐसी बात नहीं है, आपने याद किया और मैं हाजिर। तो आज क्या है तुम्हारे पिटारे में? आलू मटर और फुलके। मैं तो तुम्हारे दिमाग के पिटारे की बात कर रही थी। जल्दी से लंच करते हैं, फिर बात करेंगे कि प्रशिक्षक के लिए सब्जेक्ट नॉलेज यानी जिस बारे में हम ट्रेनिंग दें उस विषय पर पूरी और सटीक जानकारी कितनी महत्वपूर्ण होती है और इसकी तैयारी कैसे करें। हाँ हाँ, सुगंधा की क्लास कोई मिस करता है भला? हम सभी ट्रेनिंग के लिए जाते रहते हैं, अब आप लोग ही बताओ ट्रेनिंग की तैयारी कैसे करें। जाहिर है, हमें जिस विषय पर ट्रेनिंग देना है उसके बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है। हाँ, तो ऐसा तो हम लोग करते ही हैं। ट्रेनिंग देने से पहले हम लोग भी तो सब कुछ पढ़कर जाते हैं। ज्ञान केवल पढ़कर नहीं आता। मेरे कहने का मतलब है कि मान लो आप वीडियो डिसेमिनेशन या वीडियो प्रसार के बारे में बताने जा रही हैं, तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि असरदार वीडियो प्रसार क्या होता है, प्रसार कितने तरीके के होते हैं और किस समुदाय के लिए किस प्रकार के वीडियो सही हैं। और इसके लिए सबसे पहले जिस समूह के लोगों को ट्रेनिंग देना है उसके प्रतिभागियों के बारे में जानकारी जुटाओ, जैसे कि वो क्या काम करते हैं, उनकी शिक्षा, उनका रहन सहन आदि। ये हम लोगों से बातचीत करके, किताबों से, पत्रिकाएं पढ़कर या वहाँ के समाचार पढ़कर जान सकते हैं। बिल्कुल, साथ ही ज्ञान बढ़ाने के लिए आपको अधिक से अधिक रिसर्च करनी होगी और विषय के जानकार से बात करनी होगी जिन्होंने वह काम पहले सफलतापूर्वक किया है। साथ ही उनके आसपास के उदाहरण देकर समझाना अच्छा होता है। जैसे कि अगर हम बिहार में ट्रेनिंग दे रहे हैं तो वहाँ पर बनी फिल्में ही दिखानी चाहिए। इससे उन्हें अपनापन महसूस होगा, है ना? और अगर हम महिलाओं के साथ काम करने वाले हैं तो ये जानना महत्वपूर्ण है कि महिलाएं समुदाय में क्या कर रही हैं, वे क्या काम करती हैं, कैसे करती हैं, उनके सामने क्या परेशानियां हैं और क्या अवसर हैं। जो हमने सीखा है उसको दोहराना भी चाहिए ताकि कोई पहलू छूट ना जाए। मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ती, सब कुछ नोट करती जाती हूँ और रोज ही पढ़ लेती हूँ। इसीलिए तो सब कुछ तुम्हें याद रहता है, तुम एक अच्छी ट्रेनर हो। आप चाहे तो अपने ट्रेनिंग को और असरदार बनाने के लिए इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, यानी हम लोग मिलकर आपस में एक ट्रेनिंग सेशन करके देख सकते हैं। फिर तो बड़ा मजा आएगा। एक बात और, विषय की जानकारी भाग लेने वालों की समझ के हिसाब से होनी चाहिए। साथ ही ये भी समझो कि पुरुषों और महिलाओं की जरूरतें अलग अलग होती हैं। समाज में उनके अलग अलग कौशल, अवसर और चुनौतियां हैं जो उनकी सामाजिक समझ के अनुसार बनती हैं। मैं समझ गई। ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर किसी छोटे बच्चे को कुछ समझाऊंगी तो उसे अलग तरीके से बताऊंगी, और वही बात किसी गांव के व्यक्ति को बताना हो तो बताने का तरीका पहले वाले से अलग होगा, है कि नहीं? उसी तरह महिलाओं से किसी विषय पर समझ बनाने का तरीका भी अलग होगा जो कि महिलाओं के रहन सहन के मुताबिक होगा। एक ट्रेनर के रूप में आपको ये जानने की जरूरत है कि पुरुषों और महिलाओं के अनुभवों के बीच और यहाँ तक कि महिलाओं के भीतर भी बहुत विविधता होती है। गांव के जीवन में जाति, धर्म, व्यवसाय आदि अलग अलग समूह हो सकते हैं। इसीलिए अक्सर हमारे समूह में महिलाएं एक दूसरे से सहज होने में भी समय लेती हैं। हाँ, इसीलिए अपने समूह की बनावट को ठीक तरह से समझना बहुत जरूरी है। एक ट्रेनर के रूप में हमें इसके बारे में जागरूक होना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि हम महिलाओं के जीवन के उदाहरणों और अनुभवों को अपने ट्रेनिंग में शामिल करें। अच्छा, अगर प्रतिभागी ऐसे सवाल पूछ ले जिसका जवाब हमारे पास ना हो तो? हमें कोशिश करनी चाहिए और सवाल पर खुली चर्चा हो। कई बार सही जवाब चर्चा के द्वारा मिल जाते हैं।
यदि फिर भी कोई हल ना मिले तो सवाल का जवाब पता करके उन्हें बताने की कोशिश करें। बिल्कुल सही बात। अंत में एक महत्वपूर्ण बात जो हम सबको याद रखनी चाहिए कि ट्रेनिंग के दौरान विषय पर मजबूत पकड़ होने से आत्मविश्वास बढ़ता है, जो सफल ट्रेनिंग की नींव है। अगर मैं सही समझा तो जिस विषय पर ट्रेनिंग देनी है उस विषय का सही ज्ञान होने से हम में ना केवल आत्मविश्वास आता है बल्कि इससे प्रतिभागियों के बीच भी ट्रेनर के प्रति उनका विश्वास भी बढ़ेगा। हम अपनी बातों को सटीक तरीके से बिना किसी झिझक के उनके सामने रख पाएंगे, उनकी समस्याओं का हल उन्हें बता पाएंगे और उन्हें बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित कर पाएंगे। अब हमारी ट्रेनिंग को अच्छा होने से कोई भी रोक नहीं सकता। आइए विचार करें कि एक सफल ट्रेनिंग के लिए ट्रेनर को अपनी जानकारी कैसे बढ़ानी चाहिए।